भयंकर शंखनाद हुआ और दोनों सेना एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ी। और विधि का विधान तो देखिए, जिस दिन पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की उसी दिन पितामह भीष्म के सामने अर्जुन का रथ टकराया। और आज पितामह भीष्म अर्जुन के सामने घमासान युद्ध करने लगे, मानो पितामह भीष्म की जवानी वापस आ चुकी हो। पितामह भीष्म अपने तरकस से इतनी तेज गति से बाण निकाल रहे थे, आप किसी अगरबत्ती को जलाकर गोल गोल घुमाइए तो उस अगरबत्ती का एक चक्र बन जाता है। पितामह भीष्म अपने तरकस से इतनी तेज गति से बाण निकाल रहे थे, अपने हाथों का एक चक्र बन गया। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। उस 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को कभी भी पसीना नहीं आया था, लेकिन आज पितामह भीष्म के बाणों का सामना करते हुए अर्जुन पसीने से लथपथ हो गया। भगवान कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा, अर्जुन पसीने से लथपथ। और अभी इस समय मैं अर्जुन की रक्षा नहीं करूंगा तो ये पितामह भीष्म मेरे भक्त अर्जुन को मार डालेंगे। उस समय पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए और अर्जुन के प्राण की रक्षा करने के लिए, जैसे सिंह किसी गजराज के मस्तक को फाड़ने के लिए कूद पड़े, वैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ से कूद पड़े। कर सर पर सदर अमर कर अनुसार कर पर मर धर में कर पर हर सुर यावर या पर यतुन कर नटवर मन हर भैर बन मन हर मटक वटक भीष्म की रक्षा करने के लिए कूद पड़े। और उस समय वहां नीचे टूटे हुए रथ का पहिया पड़ा था, कृष्ण ने टूटे हुए रथ का पहिया अपने हाथों में उठा लिया। उस रथ के पहिये को लेकर कृष्ण पितामह भीष्म की ओर जाने लगे। अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ लिए, कृष्ण आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, लेकिन आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण पूर्ण आक्रोश में हाथ में रथ का पहिया लेकर निकल पड़े। पितामह भीष्म ने देखा कृष्ण आ रहे हैं, अपना बाण उठाया और कृष्ण के शरीर में अनेकों बाणों का प्रहार किया। पितामह भीष्म के बाणों से भगवान कृष्ण के शरीर का सोने का कवच टूट गया। पितामह भीष्म के अनेकों बाण कृष्ण के शरीर में लग गए और भगवान कृष्ण के चिन्मय देह से खून की धारा बहने लगी। अनेकों बाण भगवान कृष्ण के शरीर में लगे हैं और उस अवस्था में भी अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण पितामह भीष्म की ओर दौड़ पड़े। बहकत मोर मनाल गिरा तब पियु पियु शगल पुकारत जाता योगी हो कि हो करण करण बहुत कड़ाकन करण गिरिवर शिखर तजे तब रूप जुग रूप जुग रूप जुग रूप जुग बरसत पर का रर 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 घोर कर गिरे जीरे गर रर
पितामह भीष्म ने कृष्ण को बिल्कुल अपने निकट आए हुए देख लिया। कृष्ण बिल्कुल निकट में आए, पितामह भीष्म ने अपने धनुष और बाण छोड़ दिए, दोनों भुजा फैलाकर कृष्ण का स्वागत करने लगे। कृष्ण, मैं इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था, कब आप अपने हाथों में शस्त्र उठाओगे और कब आप इस प्रकार से मेरे पास आओगे, बस मैं यही दर्शन करना चाहता था। धनुष बाण छोड़ दिए और उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन अपना गांडी उठाओ और पितामह भीष्म की छाती को छल्ली कर दो। अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और एक के बाद एक बाण मारने लगे। वर्णन है, अर्जुन ने पितामह भीष्म के शरीर में इतने बाण मारे पितामह भीष्म के शरीर पर सोई की नोक रखने के बराबर भी जगह नहीं बची। जब सैकड़ों बाण पितामह भीष्म के शरीर में लगे, तब आकाश से कोई पर्वत गिरे, ऐसे पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र की भूमि पर धराशायी हुए और भगवान कृष्ण की जय जयकार हुई। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान। कृष्ण कथा सुनने हेतु सुंदर जिज्ञासा कर रहे हैं। जिज्ञासा करते हुए कृष्ण की महिमा कृष्ण के द्वारा की गई कृपा का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं सुखदेव जी, आप उस कृष्ण की कथा सुनाइए जिनकी कृपा से पितामह भीष्म जैसे योद्धाओं से भी हमारे पूर्वज हमारे पांडव विजयी हुए। और अधिक तो आपको क्या कहूं सुखदेव जी, आज मैं जो आपके सामने बैठा हूं, ये मेरा शरीर भी उस कृष्ण के द्वारा दिया गया प्रसाद है। सच कहे तो मेरी भी मृत्यु हो चुकी थी। जब मैं मां उत्तरा के गर्भ में था, उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाया था और उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं मर चुका था। परंतु उस समय मेरी मां उत्तरा कृष्ण की शरण में गई और कृष्ण को प्रार्थना करते हुए निवेदन करते हुए वह सुनकर कृष्ण ने मेरी रक्षा की। गर्भ जैसी विषम परिस्थिति में जहां पर ब्रह्मास्त्र चलाया गया था, वहां पर कृष्ण ने मेरी रक्षा की। आप उस कृष्ण की कथा सुनाइए। वह कृष्ण जो संसार में सभी जीवों को अपना दर्शन देते हैं, भजन करने वालों के सामने परम पुरुष बनकर आते हैं और भजन नहीं करने वालों के सामने काल बनकर प्रकट होते हैं। जो भजन करते हैं, जो जिस भाव में भजन करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तस्थैव भजाम्यहम्। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। जो भक्त जिस भाव में जिस प्रकार से कृष्ण का भजन करता है,
कृष्ण उस रूप में उस भक्त को दर्शन देते हैं। संसार में कुछ लोग कृष्ण की भक्ति नहीं करते, गाड़ियों में बैठे बैठे घूमते हैं और रास्ते में मान लो मंदिर पड़ गया, मंदिर गए नहीं मंदिर आ गया रास्ते में, तो गाड़ी को रोकते हैं प्रेम से नहीं डर के मारे, यार मंदिर बीच में आया, गाड़ी नहीं रोकेंगे तो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा, भय के मारे अपनी गाड़ी को रोकते हैं, उतरते नहीं है। गाड़ी में एसी शुरू होता है, कांच बंद हुआ होता है और गाड़ी में बैठे बैठे भगवान के सामने मंदिर में खड़े हैं, गाड़ी में बैठे सामने मंदिर दो तीन हॉर्न बजाते हैं और भगवान को ऐसे 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 करते हैं, पता नहीं कहां से सीखा है, न स्कंद पुराण में बताया गया न पद्म पुराण में, कुछ लोग ऐसा ऐसा बहुत करते हैं, ये क्या होता है। ये हमारी संस्कृति तो नहीं है, गाड़ी में बैठे हैं मंदिर सामने है, गाड़ी से उतरते नहीं, गाड़ी में बैठे बैठे दो तीन हॉर्न बजाते हैं और ऐसे ऐसे करके वहां से निकल जाते हैं, हो गई भक्ति। इसे मैं हॉर्न भक्ति कहता हूं, श्रवण भक्ति कीर्तन भक्ति वंदन भक्ति हॉर्न भक्ति। मैं कई बार सोचता हूं ऐसे लोग मरने के बाद नरक में तो जाएंगे, तो सीधी बात है, ऐसे लोग मरने के बाद नरक में जाएंगे और यमराज के दूत बहुत पीटेंगे, बहुत मारते हैं वो लोग, भागवत में वर्णन है, बहुत धुलाई करते हैं। जब यमराज के दूत उस आदमी को पीटेंगे और बहुत मारेंगे, उस समय कृष्ण और राधा रानी दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकलेंगे और ये आदमी चिल्लाएगा प्रभु मुझे बचाइए, ये लोग पीट रहे हैं, तो उस समय भगवान भी ब्रेक मारेंगे, गाड़ी रोकेंगे, ब्रेक मारेंगे रोकेंगे और दो तीन हॉर्न भी बजाएंगे और फिर भगवान और राधा रानी दोनों ऐसे ऐसे करके निकल जाएंगे। ये यथामाम, मेरी बात तनिक भी नहीं है, ये गीता की बात है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, हम जिस प्रकार जिस भाव में भगवान का भजन करते हैं भगवान उस भाव में हमारे सामने प्रकट होते हैं। भगवान एक है लेकिन अपने भक्तों के भाव के अनुसार वे अलग अलग विग्रह में प्रकट हो जाते हैं। भजन करने वालों के सामने परम पुरुष और जो भजन नहीं करते हैं जीवन भर पाप करते हैं उनके सामने काल के रूप में प्रकट होते हैं, भयंकर काल। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विभूति गिनाई, तेजो में मैं सूर्य हूं, ज्ञानियों में शुक्राचार्य हूं, फलाने में ये हूं फलाने में ये हूं ये बहुत कुछ गिनाया। अर्जुन ने कहा गिनाओगे कि कुछ दिखाओगे भी, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि मैं ये हूं मैं वो हूं, कुछ सैंपल तो दिखाओ। तब दूसरे ही अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया, साधारण चर्म चक्षु से दर्शन नहीं हो सकता, पहले तो विशेष दृष्टि प्रदान की और विराट स्वरूप भूत भवित भविष्य वर्तमान तीनों काल एक साथ, बड़े बड़े योद्धा उस काल के मुख के गाल बन चुके थे, सारे देवता गंधर्व किन्नर चारण विद्याधर यक्ष सब कुछ जब भगवान के मुख में देखा अर्जुन तो पसीने से लथपथ, प्रभु ये इस रूप में आप कौन हो। कृष्ण ने कहा कालोस्मि,
लोक क्षय कृतम प्रवुत्तम। अर्जुन इस रूप में मैं काल हूं, काल। एक ही भगवान यशोदा के सामने सुंदर बाल गोपाल बनकर प्रकट होते हैं और भजन नहीं करने वालों के सामने काल बनकर प्रकट होते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, वीर्याणि तस्यां खिल देह भाजा अंतर बहिर पुरुषकाल रूप प्रयच्छतो मृत्यु मृतां मृतं च माया मनुष्य वदस्वविद्वं। हे कृष्ण, कृष्ण आप ही परम पुरुष हो और भक्तों के भाव के अनुसार आप उनके सामने प्रकट होते हैं। सुखदेव जी, ऐसे कृष्ण की कथा मैं सुनना चाहता हूं, आप सुनाइए। मानो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित कृष्ण कथा तो समंदर के समान विशाल है। कितनी बार के ऊपर है, समंदर के समान विशाल कृष्ण कथा, जिसका कोई और छोर नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। परीक्षित बताओ, उन कथाओं में से तुम क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी सबसे पहले बलराम के बारे में बताइए। रोहिण्यास्तन यह प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्व संबंध कुत देहांतर विना। नवम स्कंद के अंत में आपने यह कहा कि बलराम जी का जन्म रोहिणी के गर्भ में हुआ, और मैंने यह भी सुना कि बलराम जी देवकी के गर्भ में भी थे, सातवें पुत्र के रूप में। तो एक बालक दो मां के गर्भ में कैसे जा सकता है? आज का कितना भी बड़ा विज्ञान यदि ऐसा काम करने जाए, एक बालक को दो मां के पेट में रखने यदि जाए, या तो मां मर जाएगी या बेटा मर जाएगा या दोनों। आप बलराम के बारे में बताइए, और कृष्ण कंस के कारागार में जन्म लिए, तो जन्म लेकर कृष्ण गोकुल क्यों चले गए? कस्मान मुकुंद भगवान पितृ के हाथ ब्रजमगत, ब्रज में क्यों चले गए? मानो सुखदेव जी ने कहा, डर गए होंगे कंस, जो दूसरों को मुक्ति प्रदान करे, जो दूसरों को मुक्त करे। इस संसार में सभी जीवों को मुक्ति देने वाला क्या कंस के भय से भयभीत हो जाएगा? कभी नहीं। बताइए, मुकुंद जो सबको मुक्ति देते हैं, संसार के सभी बंधनों से मुक्त कराने वाले मुकुंद, अपने माता पिता को ही बिना मुक्त कराए ब्रज में चले गए, इसका कारण क्या है? और ब्रज में रहकर कृष्ण ने क्या किया, विस्तार से बताइए। ब्रज में कितने समय तक रहे, मथुरा में कितने समय तक रहे, और द्वारिका में कितने समय तक रहे, और इन सब जगहों पर रहकर कृष्ण ने क्या क्या किया, आप विस्तार से सुनाइए।
और एक बात तो मुझे समझ में नहीं आती है कि छोटे छोटे बच्चे अपने मामा से कितना प्रेम करते हैं। जब भी छुट्टी का दिन होता है तो मामा के घर पर चले जाते हैं। बच्चे का अपनी माँ से प्रेम तो होता है, लेकिन माँ से जितना प्रेम होता है उसका डबल मामा में होता है, क्योंकि मामा में दो माँ लगी हुई है, माँ और माँ मामा। जिस मामा को प्रेम करना चाहिए, कृष्ण ने उस मामा को ही मार डाला। कृष्ण ने अपने मामा को क्यों मारा? अब ये कहां जानते थे मामा छह भांजे को मार कर बैठा था? अपने मामा को क्यों मारा? और द्वारिका में रहकर कृष्ण ने, मैंने सुना है, बहुत विवाह किया। वैसे भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नी थी। यह सुनकर कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार कुछ लोग बड़े क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कृष्ण ने 16,108 विवाह क्यों किया। आज का आदमी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि खुद एक से परेशान है, और जो आदमी एक से परेशान है वो 16,108 के बारे में सोच भी कैसे सकता है। आज का आदमी अपनी बुद्धि से भगवान को नापने का प्रयास करता है, परंतु भगवान तो भगवान है, वो तो कुछ भी करने में समर्थ है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं लेकिन इतना विवाह क्यों? तो तुम्हारे घर से पैसे मांगने आए थे? शादी करनी है पैसा दे दो। कई बार कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं तो कहता हूं कि उन 16,108 में से तुम्हारी कोई बहन है? इतनी प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? सुखदेव गोस्वामी को कोई प्रॉब्लम नहीं, वेदव्यास जी को प्रॉब्लम नहीं, सूत जी को, अरे उन पत्नियों को प्रॉब्लम नहीं, पत्नियों के माता पिताओं को प्रॉब्लम नहीं, तो तू क्यों यहां बैठा बैठा चल रहा है? दूसरों की गृहस्थी में जो चंचुपात करता है उसे कौवा कहा जाता है। ऐसे कौवे आजकल बहुत घूमते हैं। रामायण में ऐसा वर्णन है, चित्रकूट में मंदाकिनी की सुंदर धारा बह रही है। राम और सीता एकांत में वहां गंगा की धारा उस किनारे पर बैठे हैं और भगवान रामचंद्र देवी सीता के बालों में बेणी डाल रहे हैं। बेणी डालने का कारण आचार्यों ने कहा, भगवान रामचंद्र ने सोचा अब तक जो समर्पण किया गया वो मेरे द्वारा हुआ, लेकिन अब सीता के द्वारा समर्पण करने की तैयारी, और जो भक्त मेरे लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देता है उनकी सेवा तो मैं मेरे अपने हाथों से करता हूं, ये भगवान ने दिखाया। और प्रकट लीला में भी सीता राम की पत्नी है, एकांत स्थान है, निर्जन स्थान है, वहां पर कोई है नहीं, मर्यादा भंग भी नहीं हो रही है। भगवान राम गंगा के तट पर चित्रकूट में स्फटिक शिला पर बैठकर सीता के बालों में बेणी डाल रहे हैं। उसी समय आकाश के मार्ग से इंद्र का पुत्र जयंत आया। जयंत ने देखा कि ये भगवान हो नहीं सकता। अरे भगवान कभी अपनी पत्नी के बालों में बेणी डाल सकते हैं? भगवान ऐसा ऐसी स्त्री की सेवा करे, पत्नी की सेवा करे? यदि ये भगवान है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। उसी समय इंद्र पुत्र जयंत कौवे का रूप लेकर जहां पर राम और सीता बैठे थे वहां पर आया और सीता के चरणों में चंचुपात किया। देवी सीता के चरणों से खून की धारा बहने लगी। भगवान रामचंद्र ने देखा कि इस दुष्ट ने मुझे मारा, होता तो क्षमा कर देता, लेकिन मेरे भक्त को मारा।
भगवान राम रह नहीं पाए, वीर मुद्रा में बैठे और तिनके का बाण चलाया, जयंत के ऊपर छोड़ा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर दावा, चला बाजी बा यश बल पावा। प्रेरित मंत्र चला बाजी बा यश। भगवान रामचंद्र ने तिनके का बाण छोड़ा और जयंत ने देखा कि ये बाण मेरा पीछा कर रहा है, समझ गया कि ये साक्षात ईश्वर है। बाण छूटने के बाद तो सबको बुद्धि आती है। सच्चा बुद्धिमान वो है जो कमान से बाण निकलने से पहले बुद्धि आ जाए, लेकिन अब तो ये बाण निकल चुका है। उस बाण से रक्षा प्राप्त करने के लिए जयंत संसार में सभी जगह पर घुमा, अपने पिता इंद्र के पास गया। इंद्र को पता चला जयंत ने भगवान का अपमान किया। इंद्र ने कहा बेटा, भगवान और भक्त का अपराध दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है, आज से तू मेरा बेटा नहीं है। भगवान और भक्त का अपराध करने वालों के लिए पिता यमराज बन जाता है और मां वैतरणी बन जाती है, मित्र शत्रु हो जाते हैं और अमृत विष बन जाता है जो भगवान और भक्त का अपराध करता है। लेकिन बाण निकल चुका और जयंत यहां से वहां दौड़ रहा है, यहां से वहां भाग रहा है, जैसे भगवान विष्णु के चक्र से, सुदर्शन चक्र से दुर्वासा ऋषि की हालत हुई थी, वैसे आज जयंत की हालत हुई। जयंत को पनाह देने वाला कोई नहीं मिला, लेकिन दौड़ते दौड़ते जयंत को रास्ते में नारद मुनि का दर्शन हुआ। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मन चित संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मन चित संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मन चित संता। नारद मुनि रास्ते में मिले, नारद जी ने देखा कि बेचारा दुखी है। नारद जी ने कहा कि देखो, अपराध किया है सीता का और क्षमा मांग रहे हो इंद्र से, चंद्र से, सूर्य से। अरे जिसका अपराध किया है उनसे क्षमा मांगो, भगवान जीवन दान दे देंगे। हम लोगों की हालत भी कुछ ऐसी है, दुनिया भर में सबका अपराध करते फिरते हैं और मंदिर में जाकर त्वमेव माता च पिता त्वमेव। खैर, मैं तो ये कह रहा था, रामायणकार ने जयंत को कौवा बनाया किस लिए? किसी की गृहस्थी में जो आग लगाए वो कौवा ही हो सकता है और कुछ नहीं। कृष्ण की सुंदर गृहस्थी है, लेकिन कुछ कौवे आज भी समाज में हैं जो प्रश्न उठाते हैं, कृष्ण ने इतना विवाह क्यों किया? महाराज परीक्षित की यह जिज्ञासा थी और अंत में महाराज परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी, मैंने जो आपको पूछा है वह विस्तार से बताइए और जो नहीं पूछा वह भी बताइए, कृष्ण के बारे में जितना भी कुछ है यह सब कुछ बता दीजिए। महाराज
महाराज परीक्षित की जिज्ञासा को सुनकर सुखदेव जी प्रसन्न हुए और कहते हैं परीक्षित, तुमने 3 दिन 3 रात से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। एक काम करो, कुछ भोजन कर लो, जल पी लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करूंगा। सुखदेव जी ने ऐसा कहा। मैं आपको कह नहीं रहा हूं, लेकिन यदि मैं आपको ऐसा कह दूं कि ठीक है कृष्ण कथा कल सुनेंगे, आज आप लोग खा पी लो, कितने लोग बैठेंगे। लेकिन धन्य है महाराज परीक्षित, जो वास्तव में 3 दिन 3 रात से कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं पिए, और कहा जा रहा है पहले भोजन कर लो, जल पी लो, फिर कथा सुनेंगे। तब परीक्षित कहते हैं, नहीं साती तू सहा सुनमाम त्यक्तोदम अपि न बाधते। सुखदेव जी मुझे किसी भी प्रकार की भूख नहीं, किसी भी प्रकार की प्यास नहीं, बस आप कथा सुनाते रहिए, मुझे न कुछ खाना है, न कुछ पीना है और न सोना है। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस समय तुम वन में शिकार करने गए और आधे दिन तक तुम्हें पानी जल नहीं मिला और इतने प्यासे हुए कि समीक ऋषि का अपराध किया और 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया, याद है ना, आप सब जानते ना, आधे दिन तक पानी नहीं मिलने से तुम इतने प्यासे हुए कि श्राप मिल गया, और यहां 3 दिन 3 रात से कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं, फिर भी कोई प्यास नहीं है, इसका कारण क्या है। तब परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी, आपके श्री मुख से झरने की तरह जर्जर जर्जर झरता हुआ कथा अमृत का पान कर रहा हूं। बताइए, जिस आदमी को अमृत मिल रहा हो वो पानी कैसे मांग सकता है, उसे पानी की प्यास कैसे लग सकती है। कथा अमृत का मैं पान कर रहा हूं महाराज, साधारण पानी की प्यास नहीं है, ये तो अमृत मिल रहा है। बस मुझे न खाना है, न पीना है, सोना है, आप कृष्ण कथा सुनाइए। कृष्ण कथा नैमिषारण्य में उपस्थित सुत जी ऋषि मुनियों को कहते हैं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवाद वैया सखी से भगवान अथ विष्णु रात। इस प्रकार जब महाराज परीक्षित ने कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा की तो साधुवाद, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को धन्यवाद किया और साधुवाद किया, साधु साधु परीक्षित, आपका प्रश्न तो बहुत सुंदर है। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है उस कृष्ण कथा को सुनकर संसार के लोगों का वैसा ही उद्धार हो जाएगा। कृष्ण कथा सुनाने वाला, कृष्ण कथा सुनने वाला और कृष्ण कथा की जिज्ञासा करने वाला, कृष्ण कथा में किसी भी प्रकार से अपना सहयोग देने वाला परम पवित्र हो जाता है। कैसा पवित्र होता है? यत पाद सलिलम यथा, कृष्ण कथा से जुड़ा हुआ हर कोई व्यक्ति वैसा ही पवित्र होता है जैसे भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा पवित्र है, गंगा के समान पवित्र बन जाता है। आप सब जानते हैं गंगा स्वयं अपने आप तो पवित्र है, लेकिन गंगा का यदि कोई स्पर्श कर ले तो वह भी पवित्र बन जाता है। कृष्ण कथा सुनने वाला स्वयं तो पवित्र हो जाता है, लेकिन कृष्ण कथा सुनकर वह श्रोता जहां जहां जाता है, जिन जिन को मिलता है, उन सब को पवित्र कर देता है। पावना नाम च पावनम। परीक्षित, आपने ऐसी जिज्ञासा की है और अब आपकी जिज्ञासा को सुनकर मैं आपको कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करूंगा कल शाम को 5:30 बजे।
हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।